आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्वरोजगार योजना एवं एक जनपद एक उत्पाद योजना तथा स्वरोजगार संगम कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के 5,06,995 लाभार्थियों के खाते में 4,324 करोड़ की धनराशि का किया ऑनलाइन हस्तांतरण, प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लाभार्थियों से किया वर्चुअल संवाद, लाभार्थियों ने सीएम योगी के प्रति किया धन्यवाद ज्ञापित। दो दिवसीय दौरे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार की शाम को पहुंचे अपने गृह जनपद गोरखपुर। गुरु गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना के साथ ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा पर टीका मत्था। सीएम योगी ने कोविड-19 महामारी के सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं के संबंध में गोरखनाथ मंदिर में आला अधिकारियों के साथ की बैठक। कोविड जांच को बढ़ाकर प्रतिदिन 10,000 करने के साथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल को क्रियाशील करने के दिए निर्देश। कहा, टीकाकरण में प्रधानों पार्षदों का सहयोग लेते हुए बचे हुए लोगों की सूची लेकर उनका कराया जाए टीकाकरण। कोविड की बढ़ती दर को देखते हुए शासन ने प्रदेश के सभी जनपदों के कक्षा 10 तक के सभी विद्यालयों को 16 जनवरी तक किया बंद। जीएम विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। सभी जनपदों में रात्रि कर्फ्यू के समय में हुई बढ़ोतरी, अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा रात्रि कर्फ्यू। एडीएम फाइनेंस ने कहा, सभी लोग रात्रि कर्फ्यू व कोविड प्रोटोकॉल का करें पालन। गोरखपुर वन प्रभाग एवं हेरिटेज फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा निर्मित इको टूरिज्म पर आधारित कॉफी टेबल बुक गोरक्षनगरी का सीएम योगी ने किया लोकार्पण। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के भवन का मुख्यमंत्री के द्वारा लोकार्पण स्थल का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। कहा, शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भरोइया से करेंगे लोकार्पण, सूचना विभाग व पत्रकारों को करेंगे समर्पित। गुरुवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 326 केंद्रों पर कुल 41,594 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। सीएमओ ने कहा, सभी लोग लगाए मास्क, करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर भाजपा युवा मोर्चा महानगर के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर कांग्रेस पार्टी को बताया जिम्मेदार। कहा, भुगतना पड़ेगा इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को। और उत्तर प्रदेश मिड डे मील वर्कर्स यूनियन रसोईया के कार्यकर्ताओं ने 6 माह के बकाया मानदेय भुगतान व अन्य मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग।